हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? और क्या हो रहा है आजकल? कैसी गुजरी है लाइफ? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें सेल में जाने वाले हैं। शॉपिंग तो हर लड़की का शौक होता है, तो मुझे भी बड़ा शौक है शॉपिंग का। मुझे कोई जब मर्जी कहे शॉपिंग के लिए जाना है, मैं रेडी हो जाती हूँ। भले मेरे पास पैसे भी ना हो, मैं विंडो शॉपिंग पे ही चली जाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो जब मैं विंडो शॉपिंग पे जाती हूँ, तब मेरा एक काम होता है कि मैं वहाँ जाती हूँ, सेल देखती हूँ, और जो मुझे लगता है बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं उसके अपडेट इकट्ठे करती हूँ और अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के ज़रिए। मैं आप लोगों को के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूंगी, और आप लोगों को कुछ अपडेट्स भी दूंगी, और आप लोगों को थोड़ा सा मॉल में दिखाऊंगी कि यहाँ पे यूएई में किस तरह की शॉपिंग होती है और किस तरह की सेल होती है। और यहाँ पे आजकल चल रहा है यहाँ पे DSS, दुबई शॉपिंग सरप्राइज। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत अच्छी सेल लगाते हैं, सब तकरीबन सब ब्रांड्स पे सेल लग जाती है, और बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, और बच्चों को छुट्टियां भी होती हैं, तो माँ बाप भी रिलैक्स होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी शॉपिंग में, सेल खासतौर पर सेल में अच्छी चीज़ें कैसे हमने ढूंढनी है, और कुछ आप लोगों को अपनी जो मैंने चीज़ें ली हैं इसमें DSS में, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। ये मैंने लिया है ज़ारा से लिया है। ये मुझे चाहिए थी, एक डेनिम कलेक्शन चाहिए थी मुझे। तो ये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 199, और मुझे ये 69 में मिल गई। और ये बहुत प्यारी जीन्स है, इसका जो कपड़ा है वो बहुत प्यारा है। तो एक ये मैंने ली ज़ारा से, और एक मैंने ये ड्रेस लिया। ये ड्रेस इतना खूबसूरत था, ये जब मैंने, ये पार्टी ड्रेस है, तो ये इतना प्यारा लगा मुझे, ये मैंने देखते ही बस मैंने कहा ये मैंने लेना है। तो ये इस तरह से है, कुछ बहुत प्यारा है। जब मैं इसको पहनूंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसकी प्राइस भी थी 149 थी, और ये मुझे 49 में मिल गया, 49 दिरहम में। तो बहुत अच्छी प्राइस है इसकी। तो ये किसी मौके पे पहना जा सकता है, जैसे किसी की बर्थडे है या किसी का कोई पार्टी है कुछ है। और ये तो हो गए कपड़े, मैंने एक और शर्ट ली, और ये शर्ट एक ली मैंने, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शर्ट है, इसके ऊपर कितना अच्छा ये काम हुआ हुआ है। और इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, ये थी इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, ये मैंने मैक्स से ली है, और इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 25, और ये मुझे आप देख सकते हैं मुझे कितने में मिला, 7 दिरहम में मिला, 7 दिरहम में। तो ये भी लेके मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है सेल में, जब मैं शॉपिंग करती हूँ और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि आप लोग सेल में से अच्छी चीज़ें कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब मॉल में जाती हूँ, तो मैं जब सेल लगी होती है, तो मैं हमेशा सेल में पहले दिन कोशिश करती हूँ पहले दिन ही जाऊँ, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन वेट करके जाएंगे तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें सब निकल गई होती हैं। तो अगर आपने सेल में सही से शॉपिंग करनी है, तो आप उसका फर्स्ट डे ज़रूर जाएं। और जब आप वहाँ जाते हैं, तो आप वहाँ पे जब आपने कुछ कपड़े लेने हैं या कुछ जूते लेने हैं या कुछ ऐसे लेना है, तो आप देखें, आपको बहुत सारे ब्रांड्स नज़र आएंगे। तो आप देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन हो और रश लगा हो, तो आप सोचें, आप देखें, आपको पता चलेगा वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो एक ये दो टिप्स तो मैंने आपको दे दी, तो वहाँ पे वाकई में ही कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं। और तीसरी ये है कि आप जब जाते हो, आप देखते हो, शॉप में जाते हो, तो आप वहाँ पे देखते हो, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े उन्होंने बैनर्स लगाए होते हैं प्राइस के, तो आप जो सबसे कम प्राइस वाली है ना, वहाँ से आप चीज़ें ढूंढनी स्टार्ट करें। तो जब आप देखना शुरू करते हैं, आपको कुछ ना कुछ अपने बजट में, अपने अरेंज में मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आपका वो चीज़ें मिलना शुरू, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, वो आप कलेक्ट करते जाएँ। आप ये सोचेंगे ना उस टाइम पे, ये मैंने लेनी है, ये छोड़नी है, टाइम भी वेस्ट होता जाएगा, और अगर आप रख देंगे वो चीज़ भी निकल जाएगी, और बाद में अगर आपका दिल होगा तो वो नहीं मिलेगी। तो आप वो चीज़ें अपने लिए इकट्ठी करते जाएं, और आप एंड में आप
अपने सोच लें कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, बाद में हम उसमें से कुछ अपने मतलब के निकाल सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। और मैं जब शॉपिंग में जाती हूँ तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। अब तो मेरी माशाल्लाह से मेरी बच्चियाँ भी साथ जाती हैं, तो जब ये छोटी थी तब भी मैं। और एक और टिप है, जब आप शॉपिंग में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं सेल में से, तो आप यहाँ जैसे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे 2, 3, 4 मॉल्स तो होते हैं, तो आप उनके सब जितनी भी दुकान की जैसे एक शॉप है उसकी आउटलेट में आप जाएं और चेक करें। अगर आपको वहाँ वैरायटी अच्छी नहीं मिले तो आपको दूसरे मॉल में अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी दुकानों में अक्सर होता है कि एक जगह पे अच्छी वैरायटी नहीं होती तो दूसरी जगह पे अच्छी वैरायटी मिल जाती है। तो ये भी एक है थी मेरी टिप। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप अच्छी लगेगी। और आजकल दुबई में बहुत सारी जो जो लोग यहाँ रहते हैं और जो नए आए हैं या जो लोग इधर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो लोग जब भी यहाँ पे शॉपिंग करें तो सेल में से करें। सेल में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और मैं तो हमेशा सेल में से ही शॉपिंग करती हूँ क्योंकि मैं सेल का वेट करती हूँ और फिर मैं सेल में से शॉपिंग करती हूँ। तो मैं अपनी शॉपिंग को बहुत इन्जॉय करती हूँ। और आजकल बहुत सारे ब्रांड्स पे भी सेल लगी हुई है, तो मैं आपको अपनी वीडियो में वो थोड़ी सी दिखाऊंगी और बाकी की शॉपिंग भी मैं दिखा दूँ। तो ये मैंने एक हैंडबैग लिया, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये मुझे 50% में मिल गया। इसकी प्राइस है 150 दिरहम, और ये मैंने लाइफस्टाइल से लिया और ये मुझे 75 में मिल गया। तो ये लिया, और ये मैंने एक स्लीपिंग सूट लिया अपने लिए, ये मुझे 15 दिरहम का मिल गया। और ये मैंने और मेरी बेटी ने कुछ मेकअप पाउच लिए हैं, ये इनकी ओरिजिनल प्राइस है 12 दिरहम और ये 5 दिरहम में हमें मिल गए। तो ये ट्रैवल मेकअप बैग है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें और हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, बहुत सेल अच्छी सेल लगती है। तो जब आप अपने शॉपिंग पे जाएं तो आप खूब इंजॉय करें अपनी शॉपिंग को, और कोशिश करें कि अपने बजट में अपनी सेल में से बजट में से अपनी चीज़ें लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बहुत सारा खुश रहें और ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करें, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी नेमत है और हमें बार बार नहीं मिलनी है ये। तो अपना बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।